वेलकम टू क्रिएटिव वर्ल्ड। ये है Adobe Illustrator का बेसिक टिप्स क्लास और आज की क्लास में हम बहुत ही मज़ेदार सा ऑप्शन देखेंगे Envelope Distort। सो Envelope Distort आप अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट पर, शेप पर, किसी भी तरह का कोई शेप हो या मल्टीपल शेप हो या फिर किसी इमेज पर। बहुत ही मज़ेदार सा एक ऑप्शन है, किस तरह से कैसे यूज़ में लेंगे आज की क्लास में देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो ऑप्शन दिखा दूँ कहाँ पे है। उसके लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ मिलेगा आपको Envelope Distort। सो अभी ये डिसेबल है क्योंकि हमारे आर्ट बोर्ड पे अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ है। तो लेट्स मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मैंने शेप ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। मैं आपको समझाने के लिए इसमें कलर फील दे देता हूँ कोई दूसरा, और स्ट्रोक को मैं नन कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो स्ट्रोक पर भी कर सकते हो पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। ठीक है, ऑलराइट। तो सेलेक्ट किया हुआ है ये शेप, उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में Envelope Distort। यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो पहला है मेक विद वर्ब, सेकंड है मेक विद मैश और थर्ड है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। सो इन तीनों को तो हम देखेंगे ही, कुछ एक ऑप्शन और भी है जो इनेबल हो जाएंगे अभी। तो पहले मेक विद वर्ब को देख लेते हैं। पहले मैं इसमें क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। ठीक है, वर्ब ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट है स्टाइल, यहाँ पे कई सारे आपको स्टाइल मिल जाते हैं। लेकिन देखिए ये जितने भी ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहे हैं स्टाइल को एडिट करने के लिए हैं। ठीक है, या कई सारे आपको स्टाइल मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे स्टाइल है और इसी से ही आपका काम हो जाएगा, यानी कि आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी हमें एडिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसे कि आर्क है और भी कई सारे यहाँ फ्लैग, तो यहाँ से आप फिश आई वगैरह ले सकते हो। मैं आर्क पे कर देता हूँ। नीचे आ जाते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो अभी ये हॉरिजेंटल में है और वर्टिकल कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मैं हॉरिजेंटल में कर देता हूँ। ऑलराइट, सो नीचे जो ऑप्शन है वो बैंड का है, आप बैंड कर सकते हो। अगर स्लाइडर को आप लेफ़्ट की तरफ लाओगे तो बैंड वो नीचे की तरफ हो जाएगा, स्लाइडर को आप राइट की तरफ ले जाओगे तो बैंड ऊपर की तरफ आएगा। अभी राइट की साइड में है। ठीक है, आप देख सकते हो मैं इसको लेफ़्ट साइड में ले जा रहा हूँ कुछ इस तरह से, राइट, या फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, सेंटर में आएंगे तो फिर वापस से उसी पोजिशन में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है नीचे डिस्टॉर्शन में हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। सो डिस्टॉर्शन में अगर आप हॉरिजेंटल को राइट की तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कम हो गया और यहाँ से उतना ही है। उसी तरह से आप लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से एक थ्री डायमेंशन आपको शेप मिल रहा होगा, राइट। मैं इसको सेंटर में वापस लेके आता हूँ। उसी तरह से वर्टिकल में भी होगा कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा करना भी शेप को ख़राब कर देना होता है, तो ज़्यादा मत कीजिए, इतना ही कीजिए जितना अच्छा लगता हो, राइट। ऑलराइट, सो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, इस शेप को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूँ। आपको टेक्स्ट पर भी दिखाना है तो मैं लेट्स कुछ टाइप कर लेता हूँ, टेक्स्ट ही टाइप करते हैं और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, राइट, वापस से जाऊँगा मैं ऑब्जेक्ट Envelope Distort और मेक विद वर्ब। ठीक है, यहाँ से भी आप स्टाइल को चेंज करके देख सकते हो, राइट, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी आप टेक्स्ट पे इस तरह से एडिट कर सकते हो स्टाइल को ही, आप उसी स्टाइल को ही एडिट कर रहे हो, राइट। उसके बाद अगर आप ओके कर देते हो और बाद में आपको लगता है नहीं इसका टेक्स्ट को मुझे
एडिट करना है तो आप टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हो। सेलेक्ट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप डिस्टॉर्ट, और नीचे देख सकते हो आप एडिट कंटेंट। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ और माउस पॉइंटर इसके ऊपर लाऊँ तो देखिए पॉप दिखा रहा है, उसका मतलब आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ टाइप टूल और क्लिक करके चाहो तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। मैं टाइप कर रहा हूँ टाइप, चलिए टाइप ही टाइप कर दिया मैंने, और ये देखिए हो गया। ऑलराइट, सो यही नहीं, आप इस पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। तो मैं इसको, अगर आपने बाहर निकालना है, ठीक है, इस शेप से, यानी कि इस एनवेलप डिस्टॉर्ट से आपने बाहर निकालना है तो बाहर भी निकाल सकते हो उसको, वापस से आपको आपका टेक्स्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे फिर से एनवेलप डिस्टॉर्ट और यहाँ से करेंगे रिलीज़। ठीक है, रिलीज़ कर दिया इस तरह से। ठीक है, और मैं फिर से अंडू कर रहा हूँ, फिर से जाऊँगा मैं ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पे है एक्सपेंड। सो एक्सपेंड करने से क्या हुआ, तो देखिए वो उसी शेप में है लेकिन ये एक्सपेंड हो गया, उस एनवेलप डिस्टॉर्ट के ऑप्शन से बाहर आ गया। अब इसे आप एडिट नहीं कर सकते हो, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। हाँ, उसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो पर शेप को एडिट नहीं कर सकते हो। मैं अंडू कर रहा हूँ फिर से, राइट, फिर से जाऊँगा ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट एंड करूंगा रिलीज। ये कर दिया मैंने रिलीज। रिलीज करते ही वो एक शेप को, यानी कि उस शेप के अंदर जो उसने डिस्टॉर्ट किया था उस शेप को अलग कर देता। आप चाहो तो इस शेप को भी डिलीट कर सकते हो, राइट, कुछ इस तरह से। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करके साइड में कर देता हूँ। ऑलराइट, सो कोई और शेप ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से पॉलीगन टूल ले लेता हूँ और इस तरह से मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ, एक काम करते हैं इसकी कुछ कॉपी कर लेते हैं। सो इसकी कॉपी मैंने एक यहाँ पे किया। ठीक है, ऑलराइट, सो एक कॉपी और मैं करूँगा यहाँ पे इस तरह से, राइट, एक और मैं कॉपी कर लूँगा इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो और भी कई का सारे कॉपी करके कर सकती हो, ज़रूरी है कि इतना ही है, इससे ज़्यादा भी आप चाहो तो कुछ इस तरह से भी कॉपी कर सकते हो, राइट। मैं कुछ और कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, राइट, सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे या फिर राइट क्लिक करके भी आप ग्रुप कर सकते हो। तो ये ग्रुप है, जाएंगे आप ऑब्जेक्ट और एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद वर्ब, तो कुछ इस तरह से आपको बहुत ही अजीब सा कुछ मिलेगा, लेकिन आप मल्टीपल शेप के साथ भी कर सकती हो। तो ये मैंने शेप कुछ अजीब सा लिया था, मैं एक्चुअली इसको रेक्टेंगल पर करूँगा, तो रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो इसकी अब मैं कुछ कॉपीज करूँगा कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से, ऑलराइट, सो सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप कर दिया ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद वर्ब। ठीक है, अब यहाँ से कोई और शेप भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये जो स्टाइल है, कई अच्छे अच्छे स्टाइल है, आप कई जगह पे आप यूज़ कर सकती हो, राइट। सो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें मेक विद मैश। तो मेक विद मैश को समझाने के लिए एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और सेलेक्ट किया हुआ है, अब ऑब्जेक्ट में जाएंगे एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद मैश। तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि रो और कॉलम, पहले प्रीव्यू को मैं ऑन कर लेता हूँ। रो क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट, यानी कि आप हॉरिजेंटल में जो बॉक्सेस देख रहे हो
वो है, और कॉलम वो है अप टू डाउन, यानी कि जो आप वर्टिकल में बॉक्सेस देख रहे हो, ये बॉक्सेस है, देखिए 4-4 है यहाँ पे, 4-4 यानी कि 4 बॉक्सेस इससे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, और उसी तरह से कॉलम 4 बॉक्सेस है, अप टू डाउन, डाउन टू अप जा रहे हैं वर्टिकल में, ठीक है। तो ये है रो एंड कॉलम्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं ओके। तो ओके जैसे ही करते हैं तो यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अब इनको आप डायरेक्ट सेलेक्शन से एडिट कर सकते हो, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ऐसे या फिर ऐसे, राइट। सिर्फ यही नहीं, आप किसी और टूल को भी यूज़ कर सकते हो। मैं डायरेक्ट सेलेक्शन से कुछ एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके स्केल टूल से स्केल कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, राइट। फिर से मैं डायरेक्ट सेलेक्शन टूल ले रहा हूँ और कुछ इस तरह से एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्केल टूल से स्केल कर दिया, राइट। बहुत ही मज़ेदार सा ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हो। मैं लेट्स इसको आपको टेक्स्ट पर भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं, राइट। और ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद मैश, ठीक है। मैं प्रीव्यू को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो, और ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्शन टूल ज़रूर लेंगे एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, वैसे ही करेंगे। सेलेक्ट किया हुआ है, आप फिर से यहाँ से स्केल टूल लेके कुछ इस तरह से कर सकते हैं, राइट। या फिर आप यहाँ से शेयर टूल से भी कर सकती हो, कुछ इस तरह से, राइट। मैं फिर से डायरेक्ट सेलेक्शन टूल ले रहा हूँ और यहाँ के एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ से मैं शेयर टूल ले रहा हूँ और कुछ इस तरह से, बड़ा ही अजीब सा आपको एक रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप अगर इसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए तो बहुत ही मज़ेदार सा आपको रिजल्ट मिलेगा इसके, राइट, कुछ इस तरह से। या फिर इस तरह से सेलेक्ट करके मैं स्केल टूल से कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेके यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर स्केल टूल से कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ के कुछ एंकर पॉइंट्स को मैं डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करते हो, मैंने क्लिक किया, उसके बाद स्केल टूल ले लिया मैंने और कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ अजीब सा मैंने बनाया। सो आप चाहो तो इससे भी बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हो। ऑलराइट, सो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सा ऑप्शन है, तो इसको देख। अच्छा, ये वही ऑप्शन है जैसे कि मास्क की हमने क्लास देखा था। तो मास्क जिस तरह से काम करता है सेम वैसे ही काम करता है। अगर वो क्लास नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए उसको भी। सो उसके लिए मैं कुछ डमी टैक्स ले लेता हूँ। सो अगर आपके पास CC वर्जन है 2018 या 19 का, तो आपको इस तरह के डमी टैक्स ज़रूर मिल जाएंगे, राइट। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करूँगा, एक शेप और ड्रॉ कर लेता हूँ, पॉलीगन ले लेता हूँ और यहाँ से एक हेक्सागन मैंने ड्रॉ किया कुछ इस पोजीशन, ठीक है, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। लेकिन एक बात का याद रखेंगे, जैसे हमने मास्क की क्लास में देखा था शेप को हम ऊपर रखते थे, तो उसी तरह से इसमें भी हम शेप को ऊपर रखेंगे, राइट। इस टेक्स्ट के ऊपर रखा है हमने शेप को। तो दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, ऑब्जेक्ट
envelope distort or make with top object, ठीक है। Alright, so कुछ इस तरह से आपको three dimensional look दे रहा होगा ये। तो कभी कभी ये बड़े मजेदार सा इसमें काम हो जाता है, आप चाहो तो इसको try करके देख सकते हो, right? उसके बाद आपने फिर से इसको अगर बाहर निकालना है तो इस शेप से, तो उसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एनवेलप डिस्टॉर्ट और रिलीज कर देंगे, तो ये बाहर आ जाता है शेप से, राइट। सो डिलीट कर देते हैं, राइट। तो अब रह गया है इमेज। इमेज पर भी हम ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। लेकिन एक बात का याद रखिए कि वो आपके इमेज की क्वालिटी के ऊपर भी होगा, वो बहुत ही अजीब सा आपको कुछ रिजल्ट देगा। लेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। सो इमेज को प्लेस कर लेते हैं हम। सो उसके लिए फाइल में जाएंगे और प्लेस में क्लिक करेंगे और एक इमेज को मैं प्लेस कर लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको एम्बेड कर दूंगा प्रॉपर्टी में जाके क्विक एक्शन के नीचे एम्बेड, राइट। ऑलराइट, सो ये एम्बेड भी हो गया। तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट और एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद बॉब। ऑलराइट, सो ये देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से एक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें ये भी है कि आपके सिस्टम को थोड़ा सा ही स्लो भी कर देगा। अगर आप अच्छा खासा एक अच्छी क्वालिटी का इमेज भी लेके आते हो तो इमेज को ये वर्क करने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेगा, राइट। तो आप इमेज पर भी इसको कर सकते हो, राइट। सो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो इस इमेज को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो यही नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं सब के साथ कर सकते हैं, आप किसी ऐसे शेप पर भी कर सकते हैं जिसमें ग्रेडिएंट अप्लाई है। तो लेट्स मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें कोई ग्रेडिएंट अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा स्वॉचेस में या फिर शॉर्टकट है या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लिक किया और फील में इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, स्वॉचेस ओपन हो जाता है। तो मैं जल्दी से एक ग्रेडिएंट के स्वॉचेस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक ठीक है। अब इसके बारे में भी आप देख सकते हो, बेसिक क्लास में है स्वॉचेस के ऊपर, तो हमारी एक मज़ेदार सी क्लास रही है, तो आप चाहो तो उस क्लास को भी देख सकते हो, राइट। सो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं अगर ऑब्जेक्ट में जाकर इसको एनवेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद वर्ब करूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, ऑब्जेक्ट में जाकर एनवेलप डिस्टॉर्ट और एनवेलप ऑप्शन इसमें है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, सो पहला ऑप्शन है एंटी एलियास का। एंटी एलियास वो चीज़ होती है जो आप किसी रास्टर इमेज की एजिस पर देखते हो, ठीक है, रास्टर इमेज की एजिस पर वो स्मूथ करता है एंटी एलियास उस पिक्सल को, तो उसको कहते हैं एंटी एलियास। क्लिपिंग मास्क में ही होता है, जो भी एनवेलप डिस्टॉर्ट को अप्लाई करते हैं वो क्लिपिंग मास्क में ही होता है। आपने देखा होगा कि एक शेप जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं बाहर आ जाता है, तो वो क्लिपिंग मास्क में ही होता है। आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट में भी रख सकते हो, राइट। फेडिट्री आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, डिस्टॉर्ट अपेयरेंस में चेक हमेशा होता है। डिस्टॉर्ट लीनियर ग्रेडियंट फील्स में आप चाहो तो चेक कर सकते हो। डिस्टॉर्ट पैटर्न फील में भी आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे उसको यूज़ में लेते हो, राइट। ये सिर्फ मुझे आपको समझाना था ये क्या चीज़ है। फ़िलहाल के मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और वापस से मैं जाऊँगा इसमें ऑब्जेक्ट में एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद बॉब, ठीक है। कुछ इस तरह से आप उसको यूज़ में ले सकते हो, राइट। सो आप चाहो तो उसको पैटर्न में भी ले सकते हो, ठीक है। लेट्स मैं इसको सेलेक्ट ही रख रहा हूँ और फिर से मैं स्वॉचेस में जाऊँगा और यहाँ से कोई पैटर्न ले लेता हूँ। पैटर्न को अप्लाई कर दिया मैंने और ऑब्जेक्ट और एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद वर्ब, कुछ इस तरह से, और यहाँ से स्टाइल्स को भी आप चेंज कर सकते हो।
ऑलराइट, सो आई होप कि आज का क्लास बड़ा मज़ेदार लगा होगा. मज़ेदार लगा है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए. और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. अगले Adobe Illustrator की बेसिक क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.